कन्नौज हाईवे पर रविवार सुबह लगराम कोतवाली क्षेत्र के गांव जफरपुर के पास तेज रफ्तार पिकअप ने सड़क किनारे बैठे तीन दोस्तों को कुचल दिया। तीनों की ही मौके पर मौत हो गई। इसके बाद बेकाबू लूटर रोड किनारे पलट गया। इस हादसे में दो लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि टांगे को ओवरटेक करने के दौरान चालक स्टीयरिंग पर संतुलन खो बैठा। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ है। जफरपुर तिगावा गांव पड़ता है, यहाँ पे पांच बच्चे जो है सुबह 5-6 बजे के आसपास सड़क के किनारे बैठे थे, कहीं से घूम टहल के आ रहे थे और आराम कर रहे थे। एक गाड़ी जो बाएं तरफ से कन्नौज की तरफ जा रही थी, जो भूसे की गाड़ी थी, ओवरलोड भी थी और अनियंत्रित होकर उनके ऊपर चढ़ गई, जिससे जो है मौके पे तीन व्यक्तियों को ये हो गया, चोट ज़्यादा गंभीर लगी, दो को और भी चोट लगी। जब हॉस्पिटल पहुँचाया गया उसमें तीन की मौत हो गई, दो की अभी इलाज चल रहा है, बाकी पुलिस मौके पे है और उनके जो भी परिजन तहरीर दे रहे हैं उस तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करके आगे कार्रवाई की जा रही है। ठीक। इस हादसे में सूरज, आकाश और शाहरुख की मौत हो गई, जबकि जफरपुर गांव के ही नसीम और अतुल घायल हो गए। लोडर चालक दुर्घटना के बाद मौके से फरार हो गया। तीनों ही दोस्त अविवाहित हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को एम्बुलेंस से स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत पर नसीम व अतुल को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस घटना की